गाइज, अगर आप अपनी बॉडी को मस्क्यूलर बनाना चाहते हैं, मसल्स मास गेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप चाहे जितनी भी एक्सरसाइजेस करोगे, डाइट भी अच्छी लोगे, तब भी वह आपके ऊपर असर नहीं करेगी, क्योंकि जब हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है तो हमें मसल मास को पुट ऑन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, उसके साथ में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसको अगर आप करते हो तो आपका शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। इस वीडियो को अगर आप फॉलो करके कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो वह अपने आप ही आपके ऊपर असर दिखाएगी और बहुत ही कम समय में आपकी मसल्स बनने लगेंगी। तो सबसे पहले इस बात पर हमें ध्यान देना होता है कि शरीर को बनाना है स्ट्रॉन्ग, तभी आपको और जो एक्सरसाइजेस है उनको परफॉर्म करनी है। कॉम्पाउंड एक्सरसाइजेस करने से हमारी जो बॉडी होती है उसमें ताकत आती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं वो कॉम्पाउंड एक्सरसाइजेस की, जिसको अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपका शरीर ताकतवर हो जाता है। सबसे पहले आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज में, जिसको बोलते हैं डेडलिफ्ट। देखिए, आप लोगों ने बहुत से लोगों को डेडलिफ्ट लगाते हुए देखा होगा, और आपने ये भी देखा या सुना होगा कि डेडलिफ्ट लगाने से हमारा जो एंड्योरेंस है, हमारी जो बॉडी का मसल मास है, वह बढ़ता है और हमारी मसल्स बनने में आसानी होती है। अब देखिए, डेडलिफ्ट हमें कुछ इस तरीके से लगाना होता है। डेडलिफ्ट की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि आप इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सको उतना आपको उठाना होता है, जिससे आपकी जो ओवरऑल बॉडी है उसमें डेवलपमेंट होता है, आपके लेग्स में मसल्स जो हैं वो ग्रो होती हैं, आपके आर्म्स ग्रो होते हैं, आपका जो कोर है, जो आपका एब्स, जो एब्डोमेन एरिया, वो काफी तेजी से स्ट्रॉन्ग बनता है, तो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी ताकतवर बनती है। तो यह एक्सरसाइज आप जरूर परफॉर्म करें। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की, जिसको हम बोलते हैं बेंच प्रेस। आप लोगों ने बेंच प्रेस तो सुना ही होगा, जिसको हम चेस्ट के लिए करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बेंच प्रेस केवल हमारे चेस्ट को ही टारगेट करती है, तो ऐसा नहीं है। बेंच प्रेस आपकी ओवरऑल बॉडी को टारगेट करती है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है और आपके प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाती है, और उसी के साथ में ये हमारी एक साथ बहुत मसल ग्रुप को ट्रेन करती है। बेंच प्रेस करने से आपकी जो ओवरऑल ताकत है आपके शरीर की, वह काफी तेजी से बढ़ती है। उसके बाद आते हैं अगली एक्सरसाइज पर, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप अपनी बॉडी की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। इसको बोलते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से हमारी पूरी बॉडी में ताकत आती है। स्क्वाट्स हम लोग कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आप चाहो तो भारी वजन उठाकर कर सकते हो और चाहो तो बिना वजन के भी स्क्वाट को कर सकते हो। यह एक्सरसाइज भी हमारे शरीर को ताकतवर बनाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं काफी अच्छे एक्सरसाइज की, जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड प्रेस, या फिर आप मिलिट्री प्रेस भी इसे कह सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम बाबेल को अपने हाथों के ऊपर कुछ इस तरीके से रखते हैं और कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। इस एक्सरसाइज में भी हमें जितना हो सके उतना भारी वजन उठाना होता है। ध्यान इस बात का रखना होता है कि जब हम वजन को उठाएं तो उसके बाद हम धीरे धीरे समय के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाएं। जैसे मान लीजिए, अगर आप लोग अभी ओवरहेड प्रेस में 10 किलो उठा रहे हो तो एक हफ्ते के बाद आप लोगों को 11 किलो, 12 किलो, फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप 15 किलो, 20 किलो तक बढ़ाते जाओ। जब तक आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होगा तब तक आपके शरीर में ताकत नहीं आएगी और आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ एक्सरसाइजेस और टेक्निक अगर आप अपनाते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि काफी कम समय में आपकी बॉडी में आपको ताकत दिखने लगेगी। जितना वजन आप पहले उठाते थे उससे ज्यादा फिर उठाने लगोगे, आपका शरीर मजबूत हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो मसल्स है वो भी धीरे धीरे बनने लगेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।